ऑनरेबल ट्रस्टी श्री राजेश मिश्रा सर, श्री विकास सर, श्री सी के झा सर, डिप्टी डायरेक्टर विद्या विहार सर, मैं प्रशांत शंकर विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच श्री विकास कुमार सर आए हुए हैं, जो कि इंडिया के टॉप 10 करियर काउंसलर में जिनका नाम होता है, वो आज हमारे बीच आए हुए हैं। ठीक है, श्री विकास कुमार सर जो है वो साइकोग्राफिक सोसाइटी झारखंड से जुड़े हुए हैं और इसकी आधारशिला भी विकास कुमार सर ने ही रखी है। साइकोग्राफिक सोसाइटी जो है वो करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में काम करती है, साथ में साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी देती है और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी काम करती है। विकास कुमार सर जो पिछले 10-15 सालों में 500 से ज़्यादा सेमिनार कर चुके हैं और लाखों बच्चों को इन्होंने गाइड किया है, और 2026 में आप में से कुछ बच्चे जो JEE क्वालिफाई करेंगे या नीट क्वालिफाई करेंगे उसमें भी काउंसलिंग में सर आपकी मदद करेंगे, यह मेरा विश्वास है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि बैंक जाते होंगे तो अपना KYC कराते होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KYC? एनीवन? नो योर कस्टमर। ठीक है, तो बैंक आपको आपके KYC के थ्रू आपको जानता है। उसी तरह से जितने पेरेंट्स हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं उनको अपना एग्ज़ाम जानना बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, उसको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी जानकारी अगर प्रायर नहीं होगी तो फिर आपके लिए वो लक्ष्य साधना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो उसको एक नाम हमने कॉइन किया है KYE, दैट इज़ नो योर एग्जामिनेशन। वो आपको ड्यू जो हमारे विकास सर हैं वो विकास सर हमारे आपको आगे बताएंगे कैसे क्या करना है, वो बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे इसके लिए। अच्छा, अब एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। अर्जुन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर रहा। वो कहता है, कहा जाता है कि उस वो अर्जुन पानी में चलती हुई मछली के आँख पे निशाना लगाए थे, ऐसा किया था उन्होंने। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? ऐसा संभव हो पाया क्योंकि अर्जुन को उनका लक्ष्य पूरी तरह पता था। अर्जुन ने लक्ष्य सिद्धि के लिए अपने गुरुजनों से उसकी कठिन ट्रेनिंग जो होगी हो सकती होगी उसने ली होगी। तो आज का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है, बिल्कुल उसी मछली की आँख के भेदने के समान है। ठीक है, जब तक आपको अपना लक्ष्य पता नहीं होगा, जब तक आपको करना क्या है ये नहीं मालूम होगा, आपके लिए उसको प्राप्त करना, सिद्ध करना उतना ही कठिन होगा। तो हम लोग विकास कुमार सर का स्वागत करते हैं, जो कि आगे आपको इस अन्वेषण में, इस सिद्धि में आपकी बहुत मदद करेंगे। हाँ ठीक। और मैं प्रशांत शंकर हूँ और मैं करियर प्लस का डायरेक्टर भी हूँ। हमारे साथ आज हमारे करियर प्लस की पूरी टीम है और हम लोग बेसिकली JEE नीट और ओलंपियाड्स के फील्ड में बहुत हम लोग काम कर रहे हैं, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको हम एक अलग से PPT के थ्रू भी डिटेल में विद फैकल्टी हम लोग इंट्रोडक्शन करा देंगे आप लोगों का। ठीक है, तो प्लीज़ स्टे विथ अस। विकास सर, प्लीज़ वेलकम विकास सर।
आइए सर। अभिषेक जी, क्या नाम है? अभिषेक जी, करियर प्लस का जो पीपीटी चलाएंगे क्या? एक लैपटॉप दे दीजिए इधर ही। हाँ, लाइन है, इसको कनेक्ट कीजिए। हम एक ब्रीफ सेशन कर देंगे। इसमें कहाँ पे रखा हो? हाँ। अच्छा, अच्छा एक चीज जरा समझना चाह रहे हैं, आईआईटी जेई के एग्जाम के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? जो कुछ जानता है वो प्लीज बताए, कुछ जानकारी है? कोई नहीं। अच्छा, जेई एग्ज़ाम जो है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और ये इंडिया के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रिपल आईटीज, इसमें एडमिशन के लिए एक आपका हर साल टेस्ट होता है आफ्टर योर क्लास 12th। तो उसमें जेई मेन्स एक एग्ज़ाम होता है और फिर जेई एडवांस्ड होता है। तो टोटल जो बच्चे इसमें अपीयर होते हैं वो जेई मेंस के लिए वो नियर अबाउट 18 लाख का फिगर है। अभी इस साल भी अपीयर, लास्ट ईयर जो अपीयर हुए थे वो 18 लाख है। ठीक है, तो अब इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन की और लक्ष्य की, क्योंकि जब तक आपको 18 लाख बच्चे का के बीच में कंपटीशन है और वो वही उसको साध पाते हैं, और हर साल बच्चे साधते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर बार टेस्ट होता है और बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो वही सेलेक्ट होते हैं जो दो साल कम से कम, जैसे आप लोग 10th दे दिए आप लोग, तो 11th और 12th, दो साल जिसने साधना की, पथ से नहीं भटका, उसके लिए आगे राह आसान हो जाती है। ठीक है, तो जेई मेंस में अप्रॉक्सीमेटली हर साल दो अटेम्प्ट होता है, जो 12th में आप अपेयरिंग और उसके नेक्स्ट ईयर आप जेई मेंस को देते हैं, और हर साल जेई मेंस दो बार होता है, मतलब इन टोटलिटी आप चार बार जेई मेंस देंगे, और इसमें टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, और आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आपको 75 MCQs होता है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला होता है, तो उसमें आपको 75 अटेम्प्ट करना होता है इन 180 मिनट्स। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2.4 मिनट्स का आपको टाइम होता है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ठीक, तो आपको मैं जस्ट एक फिगर दिखाना चाहता हूँ।
अच्छा, ये जो टेस्ट होता है वो CBT होता है, डेट इज़ इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है ये, ठीक है। तो जस्ट एक हम आपके जो हमारे पास बच्चे जो टेस्ट देते हैं वो सारे हम लोग सीमांचल में सिर्फ करियर प्रोसेस एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हर बच्चे देते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देते हैं। और इसका एनालिसिस कैसे आप करते हैं देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हमने दो तीन बच्चे को सेलेक्ट किया है हमारे पास जो पढ़ रहे हैं, उसका जैसे एक रैंडम सिलेक्शन है। जैसे हमारा ये भास्कर आर्या एक बच्चा है जिसने मेंस टेस्ट 13 8 जनवरी को जो टेस्ट हुआ था वो उसका ये है, ठीक है। तो आप जब इसके लास्ट में जाएंगे तो देखिए उसमें MCQ टाइप सब दिख रहा है, क्वेश्चन करेक्ट इनस्क्रिप्ट सब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप जब लास्ट में आएंगे टाइम स्पेंट इन सेकंड्स आपको दिख रहा है, दिख रहा है वहाँ पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो था उसने क्या किया, 99 सेकंड लगाया और उसने पहला क्वेश्चन बना दिया। उसी तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन में आएंगे तो 169 सेकंड्स उसने लगाया और क्वेश्चन को स्किप कर दिया वो, तो ये 170 सेकंड्स जो थे वो इसके वेस्ट हो गए, ठीक है। तो आउट ऑफ 2.4 मिनट्स। अच्छा, एक चीज़ ये समझना है कि ये एग्जामिनेशन ऑफ सेलेक्शन नहीं होता है, JEE या नीट या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, डैट इज़ नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ सेलेक्शन, दिस इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ एलिमिनेशन, ओके। आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा छोड़ना है, ये अगर आपको नहीं आएगा तो आप स्ट्रगल करोगे। तो ये अगर एनालिसिस टेस्ट वाइज आपके अगर हमारे बच्चों के पास है, अब देखिए 169 मिनट लगाया सेकेंड्स लगाया और उसने उसको छोड़ दिया है। उसी तरह से आप नीचे आते जाएंगे तो जैसे 247 मिनट सेकेंड्स लगा रहा है फिर छोड़ रहा है, 305 मिनट सेकेंड्स लगा रहा है फिर छोड़ रहा है, और कहीं पर आपको नेगेटिव भी दिखेगा।